खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच दुनिया भर में वैक्सीन की खोज का काम तेजी से चल रहा था, लेकिन रूस ने बाजी मार लेने का दावा किया। इस वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। वैक्सीन को बनाने वाली रूसी कंपनी ने कहा है कि वैक्सीन कम से कम 2 साल के लिए वायरस से बचाव करेगी। रूसी हेल्थ केयर मंत्रालय के मामले आपको बता दें कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के निदेशक अलेक्जेंडर गिट्सबर्ग ने दावा किया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ रूसी वैक्सीन के सुरक्षात्मक गुण कम से कम 2 साल तक बरकरार रहेंगे। रूस 11 अगस्त को कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो गेमालिया केंद्र के निदेशक ने पहले कहा था कि इसे 5 महीनों में तैयार किया गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।